बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मुझे जानना है कि क्या हम ससुर के पांव छूने चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ससुर पिता तुल्य है, ससुर के पांव बहू छू सकती है, कोई बुराई नहीं है। जैसे बोलते हैं कि बेटी समान होती है, और हमारे पापा बोलते हैं कि बेटी लोग पांव नहीं छूते, तो ससुर भी तो पापा ही हुए ना। ससुर पिता हैं, बहू और बेटी में इतना अंतर है कि बेटी वो है जो जन्म दी है, ये बहू है, इसलिए रिश्ते दो हैं। यदि दोनों एक होते तो फिर एक ही होती ना बहू, फिर बेटी, बहू और बेटी दो रिश्ते हो गए ना। इसलिए जो मर्यादाएं हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आज तक जो मर्यादा मैंने देखी है कि ससुर के पांव बहू छूती है, जो मैंने अभी तक देखा है, और सही है, इसलिए छूती है क्योंकि ये परंपरा चली है। जो परंपरा सही है उन्हें चलाना है, जो गलत है उन्हें स्टॉप करना है। बहू है वो, उस घर की बहू है, उस घर की बहू फिर बेटी मान के आप रखें, प्यार इतना दें कि वो बेटी की तरह रहे, बाद में भले ससुर ये चाहे कि अब तुम हमारी बेटी हो, पांव छूने की जरूरत नहीं है, वो समझ ससुर की समझदारी पर निर्भर करता है कि वो छुपाता है या नहीं छुपाता। तो वो बाद का वो मैच्योर है यदि ससुर कि नहीं तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, तो दशरथ जी नहीं छुपाते थे पांव क्योंकि वो बेटी मानते थे। पर हर घर में ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि हर ससुर अपनी बहू को बेटी माने, मान ले तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है, पर बहू ही मान ले ठीक से तो भी कल्याण है।